अररिया सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जौरा में 24-25 अक्टूबर 2019 की रात में रामपाल की चक्की के अंदर घुसकर वहां मौजूद दो कर्मियों के हाथ पैर बांधकर ट्रैक्टर बाजरा से भरी ट्रॉली सहित लूट हो गई थी। 10 नवंबर 2019 को मुखबिर की सूचना पर इटावा हाईवे से कुल्लूपुर जलोखर नहर पटरी रोड पर पावर ट्रैक ट्रैक्टर सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से एक मोटरसाइकिल तथा 2 15 बोर के तमंजों के साथ 2 जिंदा एवं खाली कारतूस बरामद किए गए। पुलिस कप्तान ने बताया कि ट्रॉली व बाजरा भागे हुए अभियुक्त सिंटू के पास है, जल्द से जल्द बाकी के अभियुक्तों को पकड़ा जाएगा। जो 5 अरेस्टेड है उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने घटना की प्लानिंग में इन्वॉल्व थे लेकिन घटनास्थल पर नहीं गए थे। जो बरामदगी आज हमारे से हुई है उसमें जो ट्रैक्टर जो चोरी किया गया था वो मिला है। इसके अलावा तमंचा और लाइव कैटरेज इनसे बरामद हुआ है। हम प्रयासरत हैं कि बाकी जो 4 हमारे वांछित चल रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और बचा हुआ जो माल है उसको भी बरामद कर सकें। मैम कितनी पुलिस टीम इसमें लगा था उसको गिरफ्तार करने के लिए? देखिए इसमें 4 टीमों का गठन हुआ था, 2 थाने से एक सर्वेलांस और एक SOG की टीम का गठन हुआ था। जो टीम जिसने बहुत पॉजिटिव वर्क किया वो थाना स्तर से था और जो सर्वेलांस की मिक्स टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि मैम आपने बताया कि तहरीर में ट्रैक्टर ट्रॉली में बाजरा भी था, क्या उसकी बरामदगी हुई या उसको बेचे जाने की रकम बरामद हुई? देखिए ऐसा है, इसमें अभी एक मेन किंग पिन है, जो मेन करता धरता है उसके लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं। जैसे उसकी अरेस्टिंग होगी तो मुझे उम्मीद है और ज़्यादा बरामद की और ज़्यादा खुलासा हम इस क्रम में कर पाएंगे। क्या मैं पकड़े गए अपराधियों का कुछ पहले से भी आपराधिक इतिहास है? इसमें से एक है शैलू उर्फ शैलेंद्र, इनके ऊपर एक 302 का मुकदमा प्रकाश में आया, बाकी हम अभी तस्दीक कर रहे हैं। क्या ये गैंग का मुख्य सरगना? ये इसका महत्व सरगना है जैसे कि मैं बता रही हूँ। एक और व्यक्ति है जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जो अगला हम खुलासा करेंगे उसमें शायद पूरी बात सामने आ जाएगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।